पेश हैं डॉक्टर जनाब राहत इंदौरी। ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। हो चैन चुराया मेरा किसने, ओ सनम तूने, दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है, तू है। ओ नींद चुराई मेरी किसने, ओ सनम तूने, तूने। दोस्तों आदाब, नमस्कार। दरअसल अब वक्त एक बहुत खास चीज का है, और वो ख़ास चीज़ है कि हमारे अजीज़ जिनको 50 बरसों से वो खुदा ने एक मकाम दिया हुआ है, वो बुलंदी कायम है, उस बुलंद इंसान के लिए हमारे अजीज़ दोस्त हैं हिदायत ख़ान साहब, इन्होंने कुछ एक चीज़ लिखी है, एक किताब लिखी है, और वो है कलंदर 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 कलंदर। जब कोई इंसान खुदा के करीब जाता है तो उसका दोस्त बन जाता है, जब दोस्त बनता है तो मस्त बनता है, मस्त के बाद उसके बाद और भी स्टेजेस है उसकी, लेकिन उस स्टेजेस का कमाल जब होता है तो कमाल हो के फिर राहत कलंदर बन जाते हैं। मंच पर विराजमान, मैं एक ही वाक्य में बोलूं तो सभी सम्माननीय और सामने बैठे हुए सभी मेरे अपने, सबको नमस्कार। मुझे मालूम है ये मेरा मंच नहीं है, मुझे उसका जरा भी रंच नहीं है, अब मैं वो गाना भी नहीं गा सकती, मैं शायर तो नहीं, उम्र नहीं मेरी, मगर ये बात ज़रूर है कि शायरी करना, कवि, और सामने बड़े बड़े लोग बैठे जिनको सुनने के लिए आप आतुर हैं, मैं इतना ही कहूँगी, इतने साल से इंदौर का गौरव बढ़ाते हुए पूरे विश्व में आपके नाम के साथ हमारे इंदौर का नाम भी आता है। और मुझे मालूम है अगर मैं उनको पूछूंगी कि सालों साल आप इतने ऊंचाई पर कैसे बने रहे, तो यहाँ आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इंदौर के लोग जानते हैं, जो ईमानदार है, जो मन से काम करता है, उसको सभी लोग अपने सिर पे जरूर बिठाते हैं। और इंदौर के लोग उन्हें अपने दिल में बिठाते हैं। मैं राहत इंदौरी जी का और इसलिए आई हूँ, मैं मुशायरे में वगैरह बहुत कम जाती रही हूँ, क्योंकि कवि भी नहीं हूँ, शायर भी नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि शायरी वो चीज़ है जिसमें दिल के भाव तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन का बड़ा ज्ञान भी दो अक्षरों में, दो लाइनों में उसमें मिलता है, इतना जानती हूँ। और अब मालूम है आप सभी, मैं केवल कुमार विश्वासनी, हमारे सीनियर बैठे हैं जावेद अख्तर जी, वो क्या नहीं है,
कई ऐसे बैठे हैं, मैं आप सबकी तरफ से राहत इंदौरी जी का दिल से मन से अभिनंदन करती हूँ। आपके कारण हमारे इंदौर का नाम है, आपके कारण इतने सारे लोग पूरे भारत के ये मशहूर लोग आपके लिए यहाँ आए हैं और ये भी पूरे बैठे हुए लोग आपके लिए आए हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम इंदौर पर ऐसा ही बना रहेगा और आपके नाम के डंका ऐसे ही विश्व में बजता रहे, आपकी शेर व शायरी ऐसी ही चलती रहे, यही शुभकामना। मोहब्बत का दोस्तों वक्त है, मोहब्बत का जश्न जारी है, मेरे राहत का। तमाम शायर जो इस वक्त जिंदा हैं, कम से कम मैं उसमें शामिल हूँ, हम लोग ये सोच रहे हैं, ये काश शहर हमारा भी हो तो इंदौर जैसा हो, जश्न हमारा भी हो तो राहत इंदौरी जैसा। किसी भी शायर का इतना बड़ा जश्न हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। बेशक, और दूसरी बार भी होगा तो इंदौर ही में होगा और राहत इंदौरी साहब का ही होगा। मैं ऐसे समझता हूं कि एक समाज अपने आप को उतना ही सभ्य, उतना ही मुहज्जब, उतना ही सिविलाइज कह सकता है और समझ सकता है जितना वो अपने फनकार, अपने कलाकार की इज्जत करता हो। लोगों ने राहत साहब को मुबारकबाद दी है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज आपने अपने सभ्य होने का सबूत दिया। क्या बात है, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हजरात, ये जश्न राहत इंदौरी साहब का अकेला जश्न नहीं है बल्कि पूरी हिंदी और उर्दू जबान का जश्न है। राहत भाई मेरे बड़े हैं, मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ वो सिर्फ राहत भाई की वजह से खड़ा हूँ, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये राहत भाई का करम रहा कि 35 साल से वो मुझे ढोते रहे और इस लायक बना दिया कि आज मैं आपके शहर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं क्या बात है भाई, हाजिर निगरामी, बहुत बहुत अहलियान इंदौर को मुबारकबाद और दिल की अमीर गहराइयों से राहत साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके जश्न का ये मुशायरा मैं भी कमोबेश 35-40 सालों से मुशायरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज का जो मुशायरा मैं देख रहा हूँ ऐसा मुशायरा 40 साल की जिंदगी में कहीं देखने में नहीं आया। मुबारकबाद पेश करता हूं सर, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जीदर साहब, मैं आपकी खूबसूरत समातों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप जश्न राहत को मैं आपकी खूबसूरत समातों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप जश्न राहत को कामयाब ही नहीं यादगार बना रहे हैं। आइए अब एक शेर राहत साहब की खिदमत में पेश करते हैं, उनको नजर करते हैं, मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से, मगर ये इसको तालियों की गड़गड़ाहट में सुनिए इस शेर को, मुलाजा करें मतला के। जयदर साहब, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, हाँ, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। ये शायरी, मालवा की
मिट्टी को प्रणाम। इंदौर मेरे लिए मेरे गुरु स्वर्गीय सद्धेय प्रभास जोशी का भी शहर है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो उनको महसूस करता हूँ यहाँ के वातावरण में। इंदौर के साथ अगर नाम जुड़ें तो कितने 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 नाम जुड़ते जाएंगे और बात पूरी नहीं होगी। राहत साहब, आपको शायरी के 50 साल के आपकी यात्रा को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। डॉक्टर साहब, आज मैं एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, दो मिनट में, एक्सक्लूसिव है। राह साहब, आपको याद होगा, राह साहब को हमने 22 साल पहले, मैं अभी बैठ के साल जोड़ लिया, तो हमने इलाहाबाद में एक मुशायरे में बुलाया और वो बाकायदा गुंडों का मुशायरा था। अच्छा, तो उसमें जो सबसे बड़ा गुंडा था उसने कहा साहब राहत साहब को ही बुलाइए, हम सुनेंगे। अब मैंने इसलिए वो मुशायरे में बुलाना कहा कि उस जो मुशायरा हो रहा था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन करवा रही थी, उसमें सब बाकायदा गुंडे ही थे। इस वक्त भी वो बाकायदा गुंडे हैं, बस ये है कि कुछ उत्तर प्रदेश की हुकूमत में मंत्री हैं, दो चार MLA भी हैं, लेकिन बाकायदा गुंडे वाला अपना पेशा उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जो सबसे वरिष्ठ थे गुंडत्व में उन्होंने कहा साहब, राह साहब आए तो उन्होंने कहा ऐसा करिएगा, अभी राह साहब आपको याद आ जाएगा वो किस्सा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब राह साहब पढ़ने लगे तब मुझे बताना, ये कह के वो अपने हॉस्टल चले गए और मोटा वाला मोबाइल उनके चेलों के पास रहता था, उनके चेले उन्हें बिल्कुल वायरलेस की तरह अलर्ट कर रहे थे। जब राह साहब पढ़ने आए तो वो बिल्कुल कुछ कर्मकांड करके अपने कमरे से आए, पीछे बोतल वोतल लगाए, तो जब वो स्टेज पे चढ़ रहे थे तो एक लोग उनको स्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, आए और बिल्कुल आके किनारे बैठ गए। राह साहब शेर पढ़ रहे थे, बिल्कुल इसी तरह का, इतना भव्य तो नहीं था लेकिन दिव्य इतना ही था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल का मुशायरा। तो राह साहब शेर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वाह वाह, मतलब जिस तरह की तारीफ चल रही थी, बिल्कुल जैसे शकील भाई के लिए अभी स्वागत हुआ। राह साहब शेर पढ़ रहे हैं और वो दाद भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शराब पीने के कारण उनके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे थे। अब थोड़ी देर में उनको लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो राह साहब ने एक शेर पढ़ा कि महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें, महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार। तो राह साहब जैसे ऑडियंस को चारों तरफ एड्रेस करके बताते हैं कि महाजनों से कहो, अब मैं वैसा सुना नहीं सकता, अमिताभ बच्चन के सामने राजू श्रीवास्तव जैसे भी मिक्री हो जाएगी। तो कहा कि महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें, महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें। तीसरी बार रिपीट किया तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, ऊपर हवा में फायर नहीं की और कहा राह साहब आप हमारी प्रतिष्ठा हैं, आप हमारे मान हैं, इसकी महाजन की कई सारे बीप, आप शेर पढ़िए, महाजन की ऐसी की तैसी। वो माइक पे चले आए, माइक पे बोला कौन है महाजन यहाँ, किसकी इतनी औकात है। राहत साहब ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे आज तक इतनी बढ़िया दाद नहीं मिली। तो राह साहब से मैं आज जानना चाहता हूँ कि तब 28 बरस हुए थे मुशायरे के सफरनामे के, अब 50 साल हो गए हैं, क्या उतनी अच्छी दाद मिली आपको? आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर लिया, खुद भी पायल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। सर सर ओ सर, वी लव यू।